बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। साथ ब्लॉग यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़े के हवाले से, क्योंकि हम लोग ट्रैवल एजेंट हैं तो इस हवाले से हमें ये सुनने को मिलता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि जी हमें विज़िट वीज़ा चाहिए या हमें टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। तो विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़े का उनको डिफरेंस नहीं मालूम होता है कि ये किस तरह से लगता होता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि विज़िट वीज़ा बेसिकली क्या चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर आपने बहरीन जाना है, अगर आपका कोई अजीज़ व अकारीब वहाँ पर है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो वो जो है एक आपको ऑफ़र लेटर देगा, इन्विटेशन लेटर जिसे कहते हैं। तो इन्विटेशन लेटर की बेस पर जो वीज़ा जारी होगा वो विज़िट वीज़ा कहलाएगा। और सिंपल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो आपको मालूम होता है कि भाई पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट वगैरह होनी चाहिए, ये तो डॉक्यूमेंट साथ लगाने होते हैं। उसके अलावा जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़े के लिए किसी अजीज़ व अकारीब का, किसी दोस्त अहबाब का होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पर बहरीन जा रहे हैं, वहाँ पर आपका कोई दोस्त भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो आप वहाँ का जो वीज़ा हासिल करेंगे वो टूरिस्ट वीज़ा होगा। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो बेसिकली आपने अपने दम पर हासिल करना होता है। उसमें देखा जाता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आपका जो है ट्रैवल प्लान कितना है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाती है कि आपने किन किन ममालिक का विज़िट किया है, तो उस बेस पर आपको टूरिस्ट वीज़ा जारी किया जाता है। तो बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा उसका काम एक ही होता है कि आपने उस मुल्क की सैर के लिए जाना है या आपने उस मुल्क में जाना है, वहाँ पर जाके अपने अजीज़ व अकारीब से मिलना है, और इन दोनों सूरतों में आपको रिटर्न टिकट लेके जानी होती है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे पास विज़िट वीज़ा है, आप हमें एक साइड की टिकट बना दें, वहाँ जाकर हम अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाएंगे वगैरह वगैरह। तो एक साइड की टिकट विज़िट वीज़े पर नहीं होती, टूरिस्ट वीज़े पर भी एक साइड की टिकट नहीं होती। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं या विज़िट वीज़ा चाहते हैं तो ये दोनों आप हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि एक वीज़ा होता है स्पॉन्सर्ड वीज़ा, यानी अगर आपका कोई अजीज़ या कोई रिश्तेदार वहाँ पर है या कोई कंपनी है जहाँ पर आपने जॉब वगैरह करने के लिए जाना है, तो वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर देंगे जिसमें वो मेंशन करेंगे कि जी हम फलां बंदे को अपने पास बुला रहे हैं, उसके तमाम अखराजात जो हैं वो हम बर्दाश्त करेंगे। वो बाकायदा एक जो वीज़ा होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है, होता वो भी विज़िट वीज़ा है मगर वो कंपनी की तरफ से आपको स्पॉन्सर किया जाता है। तो ये कुछ छोटी सी मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ये क्या चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।